जय जय देवादिदेव गुणायतन के जलालय के मूलाक्षी चंदा प्रभु भगवान के जय 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 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 संत श्रोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 गुणायतन पीड़िता शंका स्मदान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रमाणिक संत परम पूज मुनि श्री एक साठ प्रमाण सागर जी महाराज की तीर्थराज संबित से करकी तलटी में स्थित गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल प्रमाणिक की सभी श्रोताओं का और यहां पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार सायंकालीन वेल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप सायंकालीन विला में शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ऑनलाइन शंकाओं के माध्यम से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। राजवीर गंगवाल कोटा से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं, मुनिवर पहले के ज़माने में हर घर का एक मुखिया होता था जिसकी घर के सभी सदस्य बात मानते थे सुनते थे। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय 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 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 संत श्रोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत प्रमाणिक संत परम पूज मुनि श्री एक साठ प्रमाण सागर जी महाराज की तीर्थराज संबित शिखर की तलहटी में स्थित गुणायतन से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात सायंकालीन संघ का समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल जनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के सभी श्रोताओं का और यहां पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन परिवारों के नामों की घोषणा यहाँ पर कर रहा हूँ जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है गुणाशी श्रीमती कल्पना जी, महावीर जी, अंकित जी, शैलेश परिवार अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और निर्माण निधि के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान प्रवीण जी, भावना जी, दिल्ली। इसी क्रम में श्रीमान प्रेमचंद जी, श्रीमती स्नेहलता जी, गुड़गांव, श्रीमान प्रतीक जी, श्री प्रभात जी, जयपुर, श्रीमान संतोष जी, अमर जी, भोपाल अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़ों के गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। स्वर्गीय अशोक कुमार जैन डी की स्मृति में श्रीमती नंदा जैन, रायपुर छत्तीसगढ़ अगर उपस्थित हैं गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करें और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। निर्माण शार्थी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती स्नेह जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय विपण कुमार, नितिन शैलजा जी, निखिल मेहा जी, आहरेव जी, मैरव जी, निविन कृष्णा जैन चंडीगढ़ अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़ों के गुरुवार का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उपस्थित हैं तो मंच पर आ जावें। और आइए चलते हैं जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान संतोष कुमार जी, श्रीमती आशा जी, अनुप्रिया, सचिन, सुप्रिया जी, ऋषि कुमारी, अनन्या जैन,
मकरोनिया सागर हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए परम पूज मुनिवर के स्त्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के निर्माण मंत्री अहिंसा बिल्डर के श्रीमान बिपिन जी दिल्ली और श्रीमान सिद्धार्थ जी प्रशासक गुणायतन। ये आएंगे हमारे सम्माननीय स्तंभ परिवार का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूंगा इनके भावक की अनुमोदन के लिए आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। आइए सब बिपिन जी आइए आइए। इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान प्रकाश चंद जी, श्रीमती रेणु देवी, अनिल रुचि जी, नितिन मनमोहन जी, अभिनंदन जी, शुभ जी, शुभम जी, ऋषभ जी, वैदिक जी, वगड़ा परिवार कानपुर, गुणायतन के श्रीमान संरक्षक जिनका आज जन्मदिन है विजय भाई, तालियां तो बजाइए आप लोग। श्रीमान प्रकाश चंद जी वगड़ा उनके परिवार का सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। आइए मैं उन श्राव परिवारों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जो गुणायतन से श्रीमान संरक्षक के रूप में जुड़े हैं और आज जिनका जन्मदिन है। गुणायतन परिवार हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता है श्रीमान विनय जी, श्रीमती अनीता जी जैन दिल्ली, श्रीमान प्रकाश चंद जी, श्रीमती रेणु देवी वगड़ा, गुणायतन ट्रस्टी कानपुर। इसी क्रम में श्रीमान विनय जी, श्रीमती अनीता जी दिल्ली, श्रीमान विपिन कुमार जी, श्रीमती प्रीति जैन मीरा वायंदर मुंबई, आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत इनके लिए शुभकामना। और ये गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक हैं, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज के संघ का समाधान का प्रारंभ करेंगे। मुनिवर राजवीर गंगवाल कोटा से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, पहले के जमाने में हर घर का एक मुखिया होता था जिनकी घर के सभी सदस्य बात मानते सुनते थे। आजकल घर का प्रत्येक सदस्य मुखिया हो गया है जिससे किसी बात पर सहमति नहीं हो पाती है, जिससे घर में अशांति बनी रहती है। गुरुदेव कोई ऐसा फार्मूला देवे जिससे घर के सभी सदस्यों में तालमेल बैठा रहे। देखो बात बिल्कुल सही, पहले घर में एक मुखिया होता था, लोग बात मानते थे, अब सब कोई मुखिया हो गए। अब जहाँ सब मुखिया होंगे वहाँ ऐसा होगा ही, तालमेल तभी हो सकता है जब लोग एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखें। विडम्बना यह है कि आजकल समर्पण के भाव में बहुत कमी आ गई है, इसलिए लोगों में खींचातानी होती। हालांकि आज भी मैं ऐसे अनेक परिवारों को जानता हूं जो बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार है, लेकिन परिवार के प्रमुख अपनी कुशलता से पूरे परिवार को बांधते हैं। लोग मुखिया बनना तो चाहते हैं लेकिन मुखिया बनने जैसा व्यक्तित्व तो जगह है। परिवार में वही सर्वमान्य होता है जो सबको साथ लेकर के चले। गुरुदेव का बड़ा सुंदर हाइकू है, बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए, बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़ों को अपना बड़प्पन का परिचय देते हुए छोटों के प्रति वात्सल्य का भाव रखना चाहिए और छोटों को बड़ों के बहुमान और विनय का ध्यान रखना चाहिए। अगर बड़े छोटों का, छोटे बड़ों का मान रखे और छोटे बड़ों का ध्यान रखे तो अपने आप सब काम हो जाए। बदला, बड़े छोटे बड़ों का मान रखे और बड़े छोटों का ध्यान रखे तो फिर कहीं कोई खींचतान नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारा मान रखे, पर बच्चों का तुम कितना ध्यान रखते हो? अगर दोनों तरफ से ये बात आए तो व्यवस्थित हो सकती। पहले विपिन को बुला लो। हाँ जी, मैं आमंत्रित करूँगा हमारे गुणायतन के निर्माण मंत्री अहिंसा बिल्डर्स श्रीमान, परियोजना सहयोगी श्रीमान विपिन जी दिल्ली।
गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, दो लाइन के साथ मैं वंदन करता हूँ। केवल रवि किरणों से जिनका संपूर्ण प्रकाशित है मंत्र, उस सृजनवाणी में होता तत्वों का अंतर, जिस सृजनवाणी में होता तत्वों का अंतर। सुदर्शन बोध चरण पथ पर अरिवल जो चलते हैं मुनिवर, उन देव शास्त्र देव आगम गुरु को सत्सत वंदन सत्सत वंदन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। मेरे पास एक एक्सपीरियंस शेयर करने को है आज। हाँ करो, स्वागत है सभी को मेरा। जय जिनेंद्र। लास्ट ईयर मैं सम्मेलन शिखर में पूरे 25 साल के बाद 1 अक्टूबर को आया और गुरुवर के दर्शन किए। मैं बाहर आ गया, थोड़ी देर बाद मुझे अबे भैया जी मिले, बोले दर्शन हो गए। मैंने कहा हाँ हो गए, चलो हम मिलाते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी ने ऐसे उन्होंने मेरे को बोला 12:15 पे आओ, आपको हम मिलाते हैं। गुरुजी से बात हुई, चर्चा हुई, गुरुजी ने शाम को बुलाया कि शंका समाधान में हो, हम आए। अगले दिन गुरुजी ने मेरे को इस पूरे गुना यत्न को दिखाया खुद सवेरे सवेरे 5:30 बजे। तो मेरे को ये समझने में टाइम लगा कि ये बन क्या रहा है। शाम को फिर गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने हमें बोला कि हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कोई किसी तरह का कुछ नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। मैं बड़ा अचंभे में पड़ गया, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ये क्या, समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। मैंने कहा गुरुजी पहले अपने चरणों से जोड़ो। तो गुरुजी ने अपना एक पैर आगे किया, हमने चरण पकड़ लिए। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या जिम्मेवारी मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। जब मैं 25 साल के बाद सम्मेलन शिखर आया, उससे पहले आया मैं 10-11 साल, अब मैं दिन भर 25 बार सम्मेलन शिखर का जिक्र होता है मेरे यहाँ। मैं ऑफिस में बैठा हूँ, घर में बैठा हूँ, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया। और जब इस प्रोजेक्ट को मैंने समझा और गुरुजी के एक विजन को समझा, प्रोजेक्ट तो बहुत बन रहे हैं पर मुझे, मैंने कहा गुरुजी मुझे विजन समझना है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। हर बार मैं यही क्वेश्चन करता हूँ, क्या इसका यूज होगा। 21वीं सदी के अंदर जो खोई हुई संस्कृति है दोबारा जागृत हो जाएगी, इससे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं तो ये कहूँगा अपने जैन धर्म के लिए ये एक एक्सपीरियंस सेंटर जो बन रहा है वो वाकई एक्सपीरियंस करने की चीज़ होगी। सम्मेलन शिखर में आके अभी तक हम वंदना करते थे, वंदना करने के बाद हम लौट जाते थे। अब हमारा मन करेगा कि 2 दिन हम गुणायतन परिसर में भ्रमण करें, उसका अनुभव लें, ऐसा मेरा यहाँ एक्सपीरियंस हुआ है। और अब मेरे को दिन में आज मेरी ज़रूरत है तो कल मेरे को सम्मेलन शिखर आने का मन करता है। ये मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्या चेंज आया मेरे अंदर, और मुझे ऐसा लगाव हो गया कि ये मेरा परिवार है गुणायतन, ये मेरा घर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करता ध्वनि से विपिन भाई का स्वागत करें। ये जब मेरे पास आए तो मैंने इनसे कहा भैया तुम्हारा निर्माण का अच्छा एक्सपीरियंस है, अहिंसा बिल्डर्स हो, पर अभी तक तुमने जिनको जिनको बना के दिए वो हिंसा के आयतन थे, अब ये अहिंसा का आयतन है। तो अहिंसा का आयतन से अगर अहिंसा से जुड़े लोग जुड़ेंगे तभी सच्चा लाभ होगा। और मुझे लगा कि इनका उपयोग होना चाहिए और बड़ी प्रसन्नता है कि अभी बहुत तत्परता से यहाँ के काम में जुटे हुए हैं और बहुत व्यस्त होने के बाद भी लगभग हर 20 दिन में एक चक्कर इनका लग रहा है। मुझे ऐसे ही लोगों की कर्मठता पर विश्वास है और इसी विश्वास के भरोसे मैं कहूँगा कि गुणायतन एक बड़ा गुणात्मक परिवर्तन करेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। बंधु आप सभी के लिए सूचना है, आगामी 27 फरवरी से 7 मार्च तक परम पूज मुनिवर के सानिध्य में तीर्थराज सम्मेलन शिखर में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान में हम आपको प्राप्त हो रहा है। और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जो मंडल पुण्याजी के रूप में या सामान्य इंद्रनाड़ी के रूप में इस अनुष्ठान में परम पूज मुनिवर के सानिध्य में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जिनके भाव थे लेकिन नहीं आ पा रहे हैं उनका भी सौभाग्य जगा है,
और अगर आप चाहते हैं कि हम घर बैठे शांति से पुण्य का संचय प्राप्त करें तो गणायतन परिवार ने कुछ योजनाएं आपके सामने इस विधान के रूप में रखी हैं। अगर आप इस अनुष्ठान में नहीं आ पा रहे हैं और जो भी मंडल पुण्याजा के सामान इन नाड़ी हैं या जो भी अतिथि हैं उनके भोजन व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो एक दिन की भोजन की व्यवस्था के लिए 1,51,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। साथ ही एक दिन के द्रव्य सामग्री की राशि 1,51,000 है। त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 रुपए की राशि है और साथ में पारस चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का संपूर्ण प्रसारण दिखाया जाएगा। और जो भी एक दिन के पुण्याजक बनना चाहते हैं या इन योजना में अपनी महती भूमिका अदा करना चाहते हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रमाणिक एप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप एक दिन की द्रव्य सामग्री, एक दिन की भोजन व्यवस्था, त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था और एक दिन के सीधा प्रसारण में अपना सहयोग प्रदान करके घर बैठे साथी से पुण्य का संचय कर सकते हैं। और चलते हैं उन सभी मंडल पुण्याजकों के लिए और सामान्य इंद्रियों के लिए और जो इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें इस अनुष्ठान में पूर्ण रूप से सौभाग्य प्राप्त हो जाए बैठने का, पूजन करने का, शोर सूतक का दोष न लगे उसके लिए कल यहाँ पर प्रातः काल की वेला में प्रवचन के ठीक पश्चात संकल्प विधि का आयोजन किया गया है। जो भी मंडल पुण्याजक हैं, जो भी सामान्य इंद्रियाणी या जो इस अनुष्ठान में बैठने के लिए आते रहे और यहाँ जब उपस्थित हैं इन सभी के लिए सूचना है कल संकल्प विधि यहाँ पर प्रारंभ की जाएगी। प्रवचन के ठीक पश्चात संकल्प सामग्री में आपको क्या रखना है इसकी घोषणा यहाँ से कर रहा हूँ। हल्दी की गांठ, सुपाड़ी, प्राशुक जल, पचरंगा धागा, चंदन और पीले चावल, ये सामग्री लेके आप तैयार रहेंगे। प्रवचन के ठीक पश्चात 9 से 9:15 के बीच में ये संकल्प विधि का कार्यक्रम यहाँ से प्रसारित किया जाएगा और आप घर बैठे संकल्प लेके यहाँ पर आने के भाव जो हैं अगर शोर सूतक का स्थिति आती है तो आपको दोष नहीं लगेगा और आप इस अनुष्ठान में बैठने की पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। कल 9 से 9:15 के बीच में ये संकल्प विधि प्रारंभ होगी। और आइए चलते हैं इन्हीं सूचनाओं के साथ पुनः एक बार ऑनलाइन शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। मुनिवर श्रीमान प्रकाश चंद जी पाटनी अजमेर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए शंका कर रहे हैं। गुरुदेव, लोग उस उम्र में नेकी करते हैं जिस उम्र में वे गुनाह करने के लायक नहीं रहते। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि नेकी और गुनाह के बीच का यह फासला इंसान कैसे तय करता है और ऐसा क्यों करता है? देखिए, उस उम्र में नेकी करते हैं जिस उम्र में गुनाह के लायक नहीं होते। मेरा मानना है नेकी और गुनाह का कोई उम्र नहीं होता। मैं कहता हूँ व्यक्ति को अपने जीवन के आखिरी सांस तक नेकी का रास्ता अपनाना चाहिए और अंतिम सांस तक गुनाहों से बचना चाहिए। गुनाह एक ऐसी दुर्वृत्ति है कि व्यक्ति मरते मरते भी कर बैठता है। हाँ, अक्सर ये देखने में आता है कि लोग एक उम्र के एक पड़ाव को पार करने के बाद थोड़ा अच्छाइयों के रास्ते को अंगीकार कर लेते हैं, खासकर धार्मिक क्रियाकलापों में सहभागिता होती है। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि युवा के मन में एक अलग समझ होती है और धर्म कर्म को लोग एक विश्वास, अलग विश्वास के साथ अपनाते हैं कि जब अंत मता सो गता है तो अंत में कर लेंगे, अभी तो अपने संसार का रस भोग लो। और मैं तो इसे ऐसा मानता हूँ, आप धर्म सभाओं में भी देखिएगा तो प्रौढ़ और बुजुर्ग ज़्यादा आते हैं, बच्चे युवा कम आते हैं। एक बार जब मुझसे सवाल किया गया कि ऐसा क्यों होता, तो मैंने उनसे उत्तर दिया कि देखो भाई, नई गाड़ी सर्विसिंग के लिए नहीं जाती। जब गाड़ी खूब चल लेती है, खटारा होती है, तो बार बार सर्विसिंग के लिए जाती है। तो ऐसे ही लोग जब संसार के दचके खा लेते हैं तब उन्हें धर्म की समझ आती है और वो धर्म की शरण लेते हैं। जब तक उनकी जीवन की व्यवस्थाएं सरपट चलती है तब तक उन्हें समझ में नहीं आती। काश हम लोगों को जीवन और जीवन की व्यवस्था का मंत्र बताए, रहस्य बताए, तो ये सारी दुविधाएँ दूर हो सकेगी। शंका समाधान के स्थायी श्रोता बबीना से श्रीमान ऋषभ साहू जी आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। मुनिवर, जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर जाता है, पूजन करता है, वह मांस रंधा का सेवन भी नहीं करता, उसकी सोच दूसरों के प्रति गलत नहीं है, वही मनुष्य ही जीवन में दुखी और परेशान क्यों है
और जो मांस मदरा खाते हैं धर्म से दूर हैं वो खुश हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि जो धर्मी है वो कभी दुखी नहीं होता और जो पापी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि धर्मी आपको दुखी दिखाई पड़े और ये भी संभव है कि पापी आपको खुश नजर आए, लेकिन जब आप गहराई से देखोगे तो धर्मी धर्म के आनंद में जीता दिखेगा और पापी पाप के संताप में। आपने कहा धर्मी व्यक्ति दुखी दिखता है, आप उनके निकट से जाओ देखो, अगर वो सच्चे अर्थों में धर्मी है तो दुखी हो ही नहीं सकता। वो निश्चिंतता, प्रसन्नता, पवित्रता और संतुष्टि का जीवन जिएगा, उसके जीवन में आनंद होगा। हो सकता है वो अल्पता और अभाव से ग्रसित हो, उसके साथ बीमारियां हों, उसके साथ रोग शोक हो, लेकिन इसके बाद भी वो प्रसन्न रहेगा क्योंकि उसे पता है संसार में जो कुछ भी घटता है वो मेरी इच्छा से नहीं घटता, संयोगों से घटता है। और उसके जीवन का एक ही मंत्र होता है, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊँ। यही तो धर्म का सार है। पापी व्यक्ति फलता फूलता भले दिख जाए, लेकिन उसका चित्त हमेशा तनावों से घिरा दिखेगा। उसको रात में ढंग से नींद नहीं आएगी, उसके मन में अनेक प्रकार की भय और चिंता और संताप बने रहेंगे, वो कहीं ना कहीं तो निकल के आएगा। दिख रहा है कि वो सुखी है क्योंकि हमने सुख का पैमाना बड़ा उथला बना रखा है। जिसके पास धन संपन्नता है, ठाट बाट है, रुतबा है, रुपया है, रूप है, वो सुखी दिखता है, लेकिन उनके जीवन के भीतर प्रवेश करके देखोगे तो लगेगा इनके सिर पर कांटों का ताज है। वो अपने आप को सुखी मानते पर सुखी होते नहीं, उनके चित्त में उतना ही अधिक तनाव, अशांति, उद्वेग और बेचैनी होती है, तो सुखी कैसे? समझ गए? तो हमारे शास्त्र में कहते हैं, न सीदन अपि हि धर्मे न मनो अधर्मे निवेशयेत, अधर्मानाम च पापानाम आसु पश्चन विपर्ये। कि धर्मी व्यक्ति को कष्ट में फंसा हुआ और पापी व्यक्ति को फलता फूलता देख करके भी तुम अपने चित्त को अधर्म में मत लगाना। क्यों? कष्ट तो धर्मी पे ही ज्यादा आते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ऊपर भयानक भयानक उपसर्ग और उपद्रव हुए। रामचंद्र जी का वनवास हुआ, रावण का वनवास नहीं हुआ, हुआ क्या? साधुओं पर उपसर्ग आते, डाकुओं पर नहीं। परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। धर्मी के ऊपर संकट आते हैं, पर धर्मी है वो संकटों में भी निडरता से उनका सामना करता, अपने आप को संभाले रहता है। अधर्मी के पास संकट नहीं आते, और अगर आते तो अंदर से टूट जाता है। तो धर्मी तो ये मानता है कि संसार के सुख दुख संयोग वियोग जो कुछ है वो हमारे हाथ में नहीं है, ये सब सुख दुख जीवन मरण, ये संयोग वियोग लाभ हानि ये विधि के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। विधि भी संयोगों पर निर्भर करते, स्वीकार करो। अगर मैं धर्मी हूं तो मुझे जीवन का सही रूप समझ में आना चाहिए। बहुत सारे लोग धर्मी कहलाते हैं क्योंकि धर्म करते हैं, पर वो धर्म को जीते नहीं क्योंकि धर्म जानते नहीं। तुम धर्म की क्रियाएं कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, पर अंदर से तुम्हारे विचारों में धर्म है ही नहीं, तो तुम धर्मी कहां? तुम थोड़ी थोड़ी बातों से प्रभावित हो रहे हो, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या राग द्वेष घृणा वैर वैमनस्य दर्प दंभ भरा हुआ है, तो काय के धर्मी? यही तो हमारे दुख के कारण है। जब तक मनुष्य के मन में दोष पलता वो दुखी होगा, और धर्मी का चित्त निर्मल होता है और पापी का चित्त हमेशा मलिन बनता है। जहाँ मलिनता होती है वहाँ दुख है, और जहाँ पवित्रता होती है वहाँ प्रसन्नता है। धर्मी बनो,
धर्मी होकर के जो जीते हैं उनके जीने की जो वृत्ति है वो सबसे अलग होती है। प्रायः लोग धर्म का संबंध संपन्नता से और पाप का संबंध गरीबी से जोड़ लेते हैं, ये भ्रम है। इनका धर्म अधर्म से सीधा संबंध नहीं है। अधर्मी पापी अमीर हो सकता है और धर्मी गरीब हो सकता है, लेकिन धर्मी कभी दुखी नहीं हो सकता और पापी कभी सुखी नहीं हो सकता। आप देखो, ट्रेन में यात्रा करते समय अगर अपनी टिकट लेकर के जा रहे हो तो आपको कोई चिंता होती? अपनी सीट पे अपनी टिकट से जा रहे हैं तो कभी कोई तकलीफ होती? और किसी कोई व्यक्ति यदि बिना टिकट चढ़ जाए, हालांकि चढ़ना मत, पर मान लो चढ़ जाए तो क्या होता है? हर आदमी की शक्ल में टीसी नज़र आता है। आता है कि नहीं आता है? हाँ, कहीं टीसी आ न जाए कहीं। हो सकता है वो व्यक्ति व्यवस्था की आंखों में धूल झोंक झोंक कर बिना टिकट यात्रा पूरी कर ले, पर बेखटके नहीं कर सकता। बे टिकट यात्रा कर लेगा पर बेखटके यात्रा नहीं करेगा। धर्मी अपने जीवन की यात्रा बेखटके करता है, क्योंकि उसके पास परमार्थ की टिकट है। और पापी के यात्रा में हर पल खटका होता है, क्योंकि उसके अंदर पाप है, पाप है। तो एक खटका तो होगा ही। अरे हम इतना धर्म करते हमको फल नहीं मिलता। अरे तुम धर्म के सही फल को समझोगे तो शिकायत ही खत्म। धर्म का फल वैभव नहीं, धर्म का फल संतुष्टि है। और पाप का फल दरिद्रता नहीं, पाप का फल संताप है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने किसी गरीब व्यक्ति को 10 रुपया दे दिया, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगेगा? कितनी देर बाद? देते ही ना। क्यों? मैंने एक अच्छा काम किया। अच्छा काम करने की जो प्रसन्नता मिली ना, वो उसका सीधा फल मिला कि नहीं मिला? प्रत्यक्ष फल। धर्म का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि। इधर धर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे, तुरंत उसका फल मिलेगा संतुष्टि के रूप में। धन संपन्नता ये तो पारंपरिक फल है, लेकिन कोई किसी की जेब से 10 रुपया निकाल ले तो बाजू वाले से निकाल लिया, आंख बचा के निकालेगा और मन में खटका होगा, कहीं इसको पता न लग जाए कब मैं यहाँ से खिंचकूँ, कहीं भेद ना खुल जाए, कहीं पोल ना खुल जाए, खटका होगा ना। क्यों हो रहा है खटका? 10 रुपया उधर भी दिया, इधर 10 रुपया गया। लेने एक देने वाला खुश है और लेने वाला दुखी है, परेशान है। क्यों? क्योंकि पाप किया है। और बुरा कर्म करते ही मन में संताप आता है, भले लोग उसे देख पाए या न देख पाए, पर वो खुद निश्चिंत नहीं होता। धर्मी कभी डरता नहीं और पापी कभी निश्चिंत नहीं होता। उसके मन का पाप उसे अंदर ही अंदर कचोटेगा। इसलिए इस रहस्य को समझिए और अपनी बुद्धि को धर्म में नियोजित रखिए, ताकि धर्म का विशिष्ट लाभ जीवन में घट सके और उसकी आभा में अपने जीवन को आप चमका सके। और चलते हैं यहाँ पर उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम पुनः एक बार प्रारंभ करेंगे। पहली शंका लेकर आ रहे हैं हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रकाश चंद जी रेणु जी वगड़ा कानपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान संतोष कुमार जी अंकुर कॉलोनी सागर। एक साथ आ जाओ जल्दी। ओम जल्दी। संतोष जी तैयार रहेंगे अगले प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज जी।
मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा यह है कि घर में मंदिर होना चाहिए या और उसमें दीपक भी जलाना चाहिए क्या? घर में मंदिर बना दोगे तो मंदिर में क्या करोगे? मंदिर मंदिर में होता है, घर घर में होता है। घर को घर रखो, मंदिर को मंदिर रखो। क्योंकि घर में आप मंदिर बना भी लोगे तो मंदिर जैसी पवित्रता नहीं रख सकोगे, मंदिर जैसी मानसिकता नहीं रख सकोगे। हाँ, ये व्यवस्था उनके लिए है जिनके घर से मंदिर की दूरी है और नित्य दर्शन नहीं कर सकते। वो घर में करे तो एक पवित्र स्थल रखे, घर के ईशान कोण में एक ऐसा कक्ष बनाए जहाँ पूजा आराधन आप अच्छे से कर सके और वहाँ पूर्ण पवित्रता का पालन हो। अब घर में जहाँ कई लोग तो मंदिर भी बना दिए, वहीं चाय की चुस्की भी ले रहे, विनय कहाँ, बहुमान कहाँ? देवस्थान देवस्थान में ही शोभा देता है, समझ गए? हाँ, घर में एक कक्ष जरूर ऐसा रखना चाहिए जहाँ आप बैठ करके खाली समय में प्रार्थना कर सको, स्वाध्याय कर सको, जाप कर सको, पाठ कर सको। नमोस्तु महाराज। श्रीमान संतोष जी सागर, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान सुनील जी, श्रीमती सुमन जी इंदौर, अवेश, सभी अपने रिश्तेदारों के साथ। मुनि श्री प्रमाण सागर जी को मेरा एवं मेरे परिवार अंकुर कॉलोनी सागर की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, आपका चौमासा 1997 में अंकुर कॉलोनी सागर में हुआ था, तभी आपके आशीर्वाद और आपकी कृपा से हम लोगों को धर्म से जुड़ने का अवसर मिला। आपने सर्विस वालों के लिए एक विशेष क्लास कोर्स सुबह 6 से 7 प्रारंभ किया था, तभी से आपसे जुड़े हुए हैं और तभी से हमको सही मायने में जैन धर्म समझ में आया और चौका लगाना आदि क्रियाएं सीखे। मुनि श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति यदि हमेशा दूसरों की तन मन धन बुद्धि आदि से सहयोग करता है, फिर भी उसको अन्य व्यक्तियों से तिरस्कार ही मिलता रहता है, तब उसको अपने जीवन में समता धारण कैसे करे? वो ऐसा सोचना चाहिए कि मैंने जरूर अच्छा कर्म करने वालों का तिरस्कार किया, उसका फल मिल रहा है तो अच्छा है। ये तो गनीमत है कि मैंने कुछ अच्छा कर्म किया तो केवल तिरस्कार ही मिल रहा है, अगर बुरा कर्म किया होता तो पता नहीं क्या होता। इसलिए मन में संतोष रखना चाहिए और उस तिरस्कार को भी ये मानना चाहिए कि ये तिरस्कार मेरे अहम के गलन का कारण है। उनके तिरस्कार को स्वीकार लो, उससे प्रभावित न हो तो तुम्हारा पाप कटेगा कि नहीं कटेगा? तिरस्कृत होने के बाद भी अच्छे कर्म में अपना उत्साह बनाए रखो, तुम्हारा पाप कटेगा कि नहीं? तुम्हारी नम्रता की अभिव्यक्ति होगी कि नहीं? ऐसे रास्ते पर चलो। नमस्ते। श्रीमती सुमन जी, सुनील जी इंदौर अपने सभी रिश्तेदारों के साथ, उसके बाद तैयारेंगे भानु जी, भारती जी, ज्ञानोदय तीर्थ, बेंगलोर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कल पहाड़ की वंदना करते समय जब हम लौट रहे थे तो मैंने साइड में लगे बोर्ड पर जब लिखा देखा कि धोखा खाकर भी यदि इंसान मदद करना ना छोड़े तो वो महान बन सकता है, लेकिन महाराज जी मन में फिर शंका आती है कि चलो दूसरों की मदद करना तो ना छोड़ें, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से हमको 3 या 4 बार धोखा देता है तो मन में कहीं ना कहीं 1 या 2 बार भाव ऐसा आता है कि इसको मदद नहीं करना चाहिए, और यदि मदद नहीं करें उसको मदद करें तो फिर किस भाव को लेके मदद करें? देखिए, धोखा खा करके भी जो मदद करना नहीं छोड़ता महान इंसान है, एक दृष्टि से बहुत अच्छा है, पर नीति की दृष्टि से जब बात करोगे तो कहते हैं व्यक्ति को पहचान करके व्यवहार करना चाहिए। तो धर्म अध्यात्म अलग है, नीति अलग है। नीति के साथ नीति का काम करो और धर्म के साथ धर्म। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो लोग वीतरागी देवों के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं और अगर ऐसे लोगों को मंदिरों की सुरक्षा का या व्यवस्था का जिम्मा सौंप दिया जाए तो इस प्रकार तो हमारे सारे जैन मंदिर धीरे धीरे कन्वर्ट होने के चांसेस रखते हैं हम स्ट्रक्चरल वाइज तो। देखो, सीधी बात है, किसी भी धर्म स्थल में वहाँ की जो रीति है उसी के अनुरूप पूजा अर्चा होनी चाहिए। अगर इसके विरुद्ध होता है तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। एक दूसरे के आधिपत्य की बात तो बहुत दूर की है, ये तो पाप का कारण। मेरे सामने एक बार जब एक सवाल आया तो मैंने एक बात कही कि ये बताओ, कोई व्यक्ति
शंकर जी के मंदिर में जाता है तो बेलपत्र चढ़ाता है और जल चढ़ाता है और हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाता है। हनुमान जी का सिंदूर यदि शंकर जी पर चढ़ाए और शंकर जी का जल यदि हनुमान जी पर चढ़ाए तो उसकी पूजा होगी या अपमान, समझ गए? तो हमें लोगों को एक बात समझाना चाहिए कि किसी भी पुण्य क्षेत्र में हम जाएं तो वहाँ की जो प्रक्रिया है, वहाँ की जो रीति है, उसी अनुरूप अपनी पूजा अर्चा करें और आस्था पूर्वक करें, तब तो हमें पुण्य लाभ मिलेगा, अन्यथा वो एक प्रकार का पाप ही होगा। हमें लोगों को जगाना चाहिए। ज्ञानोदय बेंगलोर से श्रीमान भानु जी, भारती जी और इसके बाद तैयारेंगे श्रद्धना से स्वाति जी, आर्यंत जी। बस पीछे दीजिए। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। मेरा सवाल ये है कि हम गृहस्थ अपने जीवन में परिग्रह को कैसे कम करें? हमें अगर घर में कुछ भी अनावश्यक लगता है और हम उसे हटाना चाहते हैं तो कोई ना कोई घर वाले बोलते रहने दो, कुछ साल बाद काम आ जाएगा। ऐसे करके घर में सब कुछ पड़ा ही रहता है। तो उनको बोलो कि हमारे पिताजी भी बोलते थे रहने दो, कुछ साल बाद काम में आ जाएगा। उनको काम में नहीं आया तो मेरे काम में क्या आएगा? हम अटाल नहीं रखना चाहते, जितना जरूरी उतना ही रखें। श्रीमती स्वाति जी, अरंत जी, श्रद्धना, उसके बाद दत्ती बहन, अनीता जी, कृपा प्रतीक्षा, इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न यह है कि इस पंचम काल में लगातार धर्म घट रहा है, आगे भी घटता रहेगा और यह हमारे निमित्त से ही घट रहा है। फिर से बोलिए। इस पंचम काल में लगातार धर्म घट रहा है और इसके निमित्त भी हम हैं। ऐसा आगम में आया है कि हमारे कारण ही यह धर्म आगे भी घटता रहेगा, तो हम ऐसा क्या कार्य ना करें जिससे कि धर्म की अप्रभावना ना हो? बस हम इतना ही कर सकते, पंचम काल है, अवसर्पिणी काल है, ह्रास तो होगा, हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन ह्रास की गति को हम कम कर सकते हैं और हमें कम करने का प्रयास करना चाहिए। अपने धर्म और संस्कृति के प्रति निष्ठामान लोग ही धर्म के प्रवाह को आगे बढ़ा सके। नमोस्तु। प्रती बहन अनीता जी, अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें उसके पूर्व हमारे बीच में अशोक नगर मध्य प्रदेश महामंडलेश्वर जी, उद्धव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूँगा, वे आए मंच पर और परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदा का स्वभाव प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान अशोक जी अलवर गुणायतन संरक्षक आएंगे और हमारे सम्माननीय अशोक नगर मध्य प्रदेश से महामंडलेश्वर श्री उद्धव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। आई शब्द जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और मैं अशोक नगर मध्य प्रदेश से पधारे हुए महामंडलेश्वर श्री उद्धव जी चाहूँगा सवाल के लिए, शंका के लिए माइक पहुँचाना जल्दी। इसके बाद तैयारेंगे प्रति बहन अनीता जी, प्रतिभा प्रतीक्षा, इंदौर। महाराज जी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। मैं लगातार कई वर्षों से आपका दर्शन कर रहा था ये प्रसारण टीवी माध्यम से। मेरा सौभाग्य हुआ कि आज आपका साक्षात्कार मेरे को प्राप्त हुआ। इस जीवन में सब कुछ उस परमात्मा ने दिया है और ये प्रमाण भी हो गया कि साक्षात मैं प्रमाण सागर जी महाराज के समक्ष हूं, क्योंकि संत दरस ही इस जीवन का और ईश्वर के मिलन का साक्षात्कार है। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं आपकी अमृत वाणी के द्वारा, आरसी वचनों के द्वारा इस जीवन की मूल सार्थकता क्या है जिससे आप इतना श्रम अनुभव करते हुए और इन सब
जीवों का उद्धार कर रहे हैं, ऐसी कृपा और ऐसे आशीर्वाद वचन आप हमको दें और आशीर्वाद प्रदान करें कि जिससे मैं ये जीवन अपनी सरलता से जी सकूं और धर्म में रह सकूं। मेरी यही शंका है कि मैं इस जीवन को कैसे जीऊं। तालियां तो बजाइए आप। बहुत अच्छे भाव आपने प्रकट किए हैं। एक साधु होने के बाद भी साधक तो होंगे ही, लेकिन एक साधक होने के उपरांत भी ऐसा व्यवहारिक सवाल किया है जो सवाल हर मनुष्य के जेहन में प्रकट होना चाहिए। आपने पूछा इस मनुष्य जीवन की सार्थकता कैसे हो, तो मैं तो कहूँगा चाहे साधु हो या गृहस्थ, चार बातें उसके जीवन में होनी चाहिए। अगर इन चार बातों को घटित किया है तभी उसके जीवन की सार्थकता है, अन्यथा व्यर्थ। वो क्या है? शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारतीय सुसंस्कृतम। शांति, तुष्टि, पवित्रता और आनंद जीवन के चार परम तत्व है। जिसके जीवन में ये चारों प्रकट हो गए, सच्चे अर्थों में वही जीवन का रस ले रहा है, उसका जीवन ही सार्थक है, बाकी सब व्यर्थ है। हमें अपने भीतर की शांति को घटित करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, और वो तब होगा जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानेंगे, उसे संवारने का प्रयास करेंगे, हमारी सोच सकारात्मक होगी, जीवन में सहजता और सरलता आएगी। तो अंदर के आत्म वैभव का ज्ञान, सकारात्मक सोच, सरलता और सहजता जैसे तत्व को घटित कर लेने वाला व्यक्ति या तो संत होता है या सत्पुरुष के रूप में जाना जाता है, सज्जन होता है। ये चीज़ें हमारे जीवन में घटनी चाहिए। ये घटी तो हमने अपने मनुष्य जीवन का लाभ लिया, या यूं कहूँ जिनके अंदर ये बातें घटती है आधिकारिक रूप से मनुष्य कहलाने के वे ही पात्र हैं। जिनके जीवन में ये नहीं, वे आकृति से मनुष्य हैं, उनके भीतर मनुष्यत्व जैसा कुछ भी नहीं है। तो इस मनुष्यत्व को जहाँ जिसे लोक में अत्यंत दुर्लभ कहा गया है उसे हमने पाया है, तो उसे सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम जिस मार्ग पर चले हमारा मन अध्यात्म से पगा होना चाहिए, और एक बात स्मरण रखना चाहिए, जो भी अंतर है ऊपर के चोले का है, भीतर सबके भीतर वही परम शुद्ध परमात्मा है। उस तत्व को पहचानो। इस ऊपर के इस चोले को का कोई महत्व नहीं, जब भीतर के उस परम तत्व को जो शुद्ध आत्मा है उस पर हमारी दृष्टि जाती तो सब भेद ही खत्म हो जाता है, उधर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरी बहन अनीता जी प्रतिभा प्रतीक्षा इंदौर, अपनी बहन श्रीमती सुषमा जी सागर के साथ, उसके बाद मैं आवाज दूंगा गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। महाराज जी के चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अक्सर देखा जाता है कि ज्ञान सुख का कारण होता है और मोह दुख का कारण होता है। ज्ञान सुख का कारण होता है और मोह दुख का कारण होता है। संसारी प्राणी ये जिंदगी में मोह के कारण दुखी रहता है, लेकिन वो ज़िंदगी को मीठा बनाना चाहता है। तो क्या ज़िंदगी को अगर मीठी बनाना है तो उस ज़िंदगी को मीठी बनाने के लिए अक्सर सही वक्त पर कड़वी भी घूट पीना आवश्यक होता क्या? और आवश्यक है तो कितना कड़वी दूध पीना, कितना और क्यों? देखो बात बिल्कुल सही है, ज्ञान सुख का कारण है और मोह दुख का कारण। अगर व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान होगा तो मोह होगा ही नहीं।
और जिसको मोह नहीं होगा वो हमेशा सुखी होगा। आपने कहा लोग अपने जीवन को मीठी बनाना चाहते हैं, बनाना चाहिए और जीवन में मिठास लाना चाहिए, पर जीवन को मीठा बनाने का दो रास्ता है, एक चाशनी डालकर मीठा बनाना और एक गन्ने की तरह नैसर्गिक मिठास प्रकट करना। आरोपित मिठास हानिकारक होती है, ज़्यादा मीठा खा लो ना तो हजम करना भी मुश्किल है। आरोपित है, ऊपर से आया है, जो हम लोग मान लेते हैं, मीठा बनाते नहीं मीठा मानते। और दूसरा है गन्ने की तरह नैसर्गिक मिठास, जो उसकी मिठास उसके जड़ों से आई है। मिठास जो आरोपित है वो ऊपर से आनंद देता है, भीतर कुछ नहीं करता, और जिसकी जड़ों में मिठास है उसके आनंद की सीमा नहीं होती। उदाहरण के लिए बोलो, एक आदमी जूता पहना हुआ ब्रांडेड बहुत मीठा दिख रहा है, ब्रांडेड जूता पहनकर गर्व से चल रहा है, लेकिन वो जूता उसके पाँव को काट रहा है, मीठा है ना पर डायबिटीज देने वाला। जूता पहना ब्रांडेड, वो अपने आप में मुग्ध है कि आह मुझसे बड़ा इंसान कौन है, 10,000 का जूता, शायद और ज्यादा का भी होता होगा, हाँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो ब्रांडेड पहना है और ब्रांडेड पहन के गुमान से चल रहा है, पर तब उस घड़ी भी जब उसे कष्ट मिल रहा है, ये एक मिठास है। और एक व्यक्ति नंगे पांव चल रहा है, आनंद में मग्न है, ये गन्ने की मिठास है। जिसे जीवन और जीवन की व्यवस्था का ज्ञान होता है वो अभाव में भी प्रसन्न होता है, और जिसे जीवन और जीवन की व्यवस्था का ज्ञान नहीं होता वो सबके सद्भाव में भी आंसू बहाता है। तो हमें जीवन के रहस्य को समझना, ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो हमें जीवन की वास्तविकता का बोध करा देता है, और जब वास्तविकता का बोध होता तो मोह खत्म हो जाता है। मोह खत्म हो जाता, अरे ये ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ, कितने नाम हो, चलो एक मिनट में उदाहरण देता हूँ। वास्तविकता का बोध होते ही मोह कैसे छूटता है तुरंत समझ में आ जाएगा। आप किसी के घर गए, सामने वाला पानी पिला रहा है, जग से पानी पिला रहा है, और जग भी चांदी का है, ग्लास आपके हाथ में, जग सामने वाले के हाथ में, और आप देख रहे हैं कि इसमें मेरा नाम लिखा है, उस जग में आपका नाम लिखा है। आपने उनसे कहा, भैया ये जग आपके यहाँ कैसे आ गया, हमारे यहाँ एक हफ्ता पहले घुमा था। अरे आपका जग, माफ करना, पता नहीं गलती से कैसे आ गया, अभी आप ले लो। क्यों क्यों? ज्ञान हो गया कि जग मेरा नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं तब तक त्याग नहीं, और जब ज्ञान हो जाए तो राग नहीं। जब तक ज्ञान है नहीं तब तक त्याग नहीं, और ज्ञान हो जाए तो राग नहीं। तो बस ज्ञान जगाओ और गन्ने जैसी मिठास से जीवन को समरस बनाओ। इतने अच्छे फार्मूला दे रहे हैं, आपकी तालियां बहुत धीरे बजती हैं। और आइए गणेशन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, उसके बाद श्रीमती कीर्ति जी दिल्ली मेट्रो। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते कि बच्चा 8 साल का होता है तब तक माता पिता को उसका दोष लगता है, लेकिन अग्नि तो देखती नहीं है कि बच्चा है कि बड़ा है, वो तो जो भी पकड़ेगा वो उसको जलाएगी, तो फिर बच्चे को क्या दोष नहीं लगता? और एक बात और पूछनी है कि कल मैं वंदना करने के लिए गई थी ऊपर, तो टोको को बंदर बहुत बुरी तरह से गंदा कर रहे थे, तो क्या उनको दोष नहीं लगेगा?
देखिए बहुत अच्छा, पहले तो एक बार इनकी जोरदार कसर से निश्चय सराहना करें। वंदना करने गए और लेट होने के बाद भी संकल्प के बल पर पैदल ही आए और उपवास पूर्वक रात को 8 बजे पहुँचे। लोग हिम्मत तोड़ देते हैं लेकिन संकल्प से ही सिद्धि मिलती है, इस बात का प्रमाण है। हम तो आपसे यही कहेंगे, जो पैदल करना चाहते हो संकल्पित होकर के जाए तो पैदल होके। आपका जो सवाल है कि 8 वर्ष तक बच्चे अगर कुछ गलतियां करते हैं तो क्या उन्हें दोष नहीं लगता? दोष तो लगता है, और माँ बाप को चाहिए कि उन बच्चों को गलतियों से बचाए। वो दोष लगता है नहीं लगता बात की बात है, उनके संस्कार दूषित होते हैं और बचपन से ही जब संस्कार दूषित होंगे तो भविष्य में तो पूरा जीवन ही दूषित होगा। इसलिए यह सोच करके कि 8 साल तक कोई दोष नहीं लगता, बच्चों के संस्कारों के प्रति ध्यान नहीं देना, मैं मानता हूँ बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा अपराध है, उससे बचना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उन बच्चों के संस्कारों को ध्यान में रखें। हाँ, ये बात सत्य है कि ज्ञान दशा में किए गए पाप अज्ञान दशा के पाप से भारी होते हैं, लेकिन पाप तो है, जीवन दूषित ना हो ये सावधानी रखनी चाहिए। अब रहा सवाल, बंदरों को दोष नहीं लगेगा क्या जो पूरे टोंक को गंदा करते हैं? मैं बताऊं, बंदर टोंक को गंदा करते हैं, इसका दोष बंदरों को लगे या न लगे द्रव चढ़ाने वाले को जरूर लगे। आप लोग एक संकल्प लो, जाए तो चरणों में द्रव नहीं चढ़ाए, डोली पे द्रव चढ़ाए, जो चारों तरफ की डोली वहां द्रव चढ़ा दो, चरण का स्पर्श करो। भगवान के चरण में ही द्रव क्यों चढ़ाते आप? वहां चढ़ाते हैं बंदर तो खाएंगे, आपके लिए भगवान है, उनके लिए उनका भोजन है। तो सभी से बोलता हूं, एकदम इतनी गंदगी है वहां सब तरफ, मल मूत्र सब, रजस्वला वाली बंदरियां भी आती है, सब गंदगी होती है, एकदम साफ करना भी मुश्किल हो जाता है। उसका एक ही उपाय है, संदेश लोगों तक पहुंचाओ कि वहां जाओ, ढोक दो चरणों में और द्रव्य पहले चढ़ा दो बाहर, गेट पे नहीं, साइड में, नहीं तो गेट पे बंदरों का आतंक होगा। एक साइड में परिक्रमा करते समय द्रव्य चढ़ा दो, स्टैंड है तो स्टैंड को गीला कर देते हैं लोग, उसमें दिया या जला देते हैं, वो बाहर चला, स्टैंड में भी चलाओगे तो वहीं द्रव्य चढ़ जाता है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए क्योंकि और कोई रास्ता दिखता नहीं, ये महान अनर्थ है। और उस अपवित्रता को आप नवा के आते हो, बंदरों में विवेक थोड़ी है, आप विवेकी हो, आपको ये सावधानी रखनी चाहिए। महाराज से हर टोक पर एक एक आदमी अगर तैनात कर, वो बात का विषय है। चलो चलो, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती कीर्ति बहन दिल्ली मेट्रो बाद अगली शंका के लिए व्रति श्राविका श्रेखा जी शाह पुणे। नमोस्तु भगवान। जब किसी व्यक्ति को स्वात्मानुभूति प्राप्त होगी तो वह किस क्रम से होगी और स्वात्मानुभूति को पाने का क्रम से क्या उपाय है और ये कौन से गुण स्थान से प्रारंभ होती है? स्वात्मानुभूति कर्म के उदय से नहीं होती, कर्म के शमन से होती। जब मोह शमन होता है तो आत्मा की अनुभूति होती है। सच्चे अर्थों में आत्मानुभूति तो सबको होती है, लेकिन संसारी प्राणी को सराग अनुभूति होती, बीतराग आत्मा की अनुभूति बीतरागी मुनियों को ही होती है, और इसके लिए नित्य आत्मा की भावना भाना अपेक्षित है। गुरुदेव, ये स्टेजेस में होती है क्रम से या स्टेजेस में होगी क्रम से या? आप नित्य भावना भाव निर्गंथ अवस्था में ही शुद्ध आत्मानुभूति होगी। नमोस्तु गुरुदेव। व्रति श्राविका श्रेखा जी सह पुणे, उसके बाद गुना निवासी श्री महावीर जी अगली शंका के लिए। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। आज मेरा जन्मदिन है और आज मैं पहाड़ी पे गई थी, आज मेरा 55वां पहाड़ी का एक है, 55 बार महीने के लिए आज का 55वां वंदना है। और महाराज मैं ऊपर शांति विधान पर किया और सर्वदोष विधान किया। और महाराज जी मेरा ऐसा प्रश्न है कि 24 तीर्थर भगवान को केवल ध्यान होने के बाद सवर्ण शरण प्राप्त होता है,
वैसे सामान्य केवली को जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो उनको गंधकुटी प्राप्त होती है, तो गंधकुटी की रचना कैसी होती है, जैसी समोसरण जैसी होती है क्या? गंधकुटी की संरचना के विषय में कोई विशेष व्याख्यान देखने को नहीं मिलता, तो हम यही मान के चले कि समोसरण के मध्य की गंधकुटी जैसी गंधकुटी होगी। अच्छा, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते श्रीमान महावीर जी गुना, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी अलवर गुणायतन संरक्षक। गुरुवार तीन बार नमोस्तु नमोस्तु मेरे परिवारों की ओर से। मेरा प्रश्न है संवेद शेखर जी की, जितनी भी टोंके हैं और तले टीप हैं, जितने भी मंदिर हैं, इनमें दोनों में क्या अंतर है दर्शन करने में? टोंकों में और तलहटी के सभी मंदिरों में? भैया वो निर्वाण स्थल है, निर्वाण स्थल की तलहटी है, यहाँ मंदिर है वो मोक्ष स्थल ही है, दोनों बड़ा अंतर है, वहाँ का प्रभाव और यहाँ का प्रभाव अलग है। नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु। श्रीमान अशोक जी अलवर। नमोस्तु गुरुवर। आशा और आकांक्षा की दीवार परमात्मा का दर्शन नहीं करने देती है, तो गुरुवर हम कैसे परमात्मा का दर्शन करें? नमोस्तु। मन की आशा और आकांक्षा को छोड़ दो, जहाँ खड़े होगे वहीं परमात्मा दिख जाएंगे। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय। बोलिए परम पूज मनीष श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय, जय, जय।